बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर। वो लोगों के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि वो उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि ट्रोल को अपनी भाषा में रिप्लाई देते हैं और उसकी बोलती बंद कर देते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जब उनको ट्विटर पर लोगों ने बेरोजगार कहना शुरू कर दिया। दरअसल पत्रकार पलकी शर्मा ने त्योहारों पर विज्ञापनों से भरे खबरों को लेकर ट्वीट किया था, जिसके रिप्लाई में अभिषेक बच्चन ने लिखा, क्या आप अभी भी खबरें पढ़ती है? इसका जवाब पलकी से तो नहीं मिला, लेकिन सीजन नाम के यूजर ने अभिषेक बच्चन के सवाल पर रिप्लाई देते हुए लिखा, बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं, आप जैसे बेरोजगार नहीं। अभिषेक बच्चन को ये व्यक्ति ट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्टर रुके नहीं। उन्होंने घूमकर एक और ट्वीट किया, लिखा, ओ हाँ, इन पॉट के लिए थैंक यू। वैसे बुद्धिमानी और बेरोजगार दोनों का कोई संबंध नहीं है, खुद को ही ले लो। मैं ये बात पक्के से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास रोजगार है। मैं ये भी पूरे दावे से कह सकता हूँ कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम्हारे ट्विटर से जज कर रहा हूँ। फिर अब क्या था, ट्रोल किए हुए शख्स ने अभिषेक बच्चन से माफी मांगी। वीडियो का चला का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।